हम दरभंगा जिला के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के बंगहट्टा गांव में हैं। शाम के लगभग 7:30 बज चुके हैं। अभी अभी एक खबर आई कि इसी गांव के एक लड़का जिसको 2 दिन पहले उनको बुरी तरह से कुछ लड़के के द्वारा पिटाई की गई थी, और इतना ही नहीं, वो किसी को अपना नाम न बताए इसलिए उसकी जुबान को काट दिया गया था। ये मामला 2 दिन पहले हुआ। उसके बाद इस मामले में पुलिस भी कार्रवाई की और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और घनश्यामपुर थाना में हाजत में रखा है। हालांकि वो पुलिस हिरासत में है, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन जो लड़का दरभंगा DMCS में अपने ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा था, इस बीच उन्होंने ज़िंदगी के जंग में हार गया और मौत के आगोश में हमेशा हमेशा के लिए सो गया। उसको मौत के आगोश में सुलाने वाला कोई और नहीं, उनके खुद के साथी, उनके दोस्त थे। 4 दोस्त मिलकर पिछले 2 दिन पहले मुहर्रम के 7वीं या 6वीं तारीख को, मुहर्रम का महीना चल रहा है और मुहर्रम है ये सब लोग जानते हैं, मुहर्रम का जश्न भी सब लोग जानते हैं, लेकिन मुहर्रम के गम में कैसे बंगहट्टा गांव में पूरा गमगीन हो गया। एक अलग खुशी का माहौल, एक तरफ जश्न का माहौल था, और जैसे ये खबर आई कि इस गांव में एक लड़की की मौत हुई है, पूरे गांव में कोहराम मच गया है। पूरे गांव के अंदर ये देख सकते हैं सनसनी फैल गई है। अब तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं और ये गांव के तमाम बच्चे जो सब लोग यहां पहुंचे हैं। घटना के बारे में जब हम यहां पहुंचे, हमने आसपास के लोगों से बातचीत किया, पीड़ित परिवार से बात किया, तो पता चला कि 4 लोग का अचानक आज से 2 दिन पहले रात के लगभग 10:30 बजे उस लड़का के 11:30 बजे उस लड़का के मोबाइल पर फ़ोन आता है। जिस लड़का के मोबाइल पर फ़ोन आता है उसका नाम इंजमामुल है। इंजमामुल की ही मौत हुई है, ये बात मैं पहले आपको बता दिया था। इंजमामुल उर्फ मिंटू उसका नाम है, पिंटू नाम है, जिनकी मौत हुई है। 4 लड़के मिलकर उसको कॉल करते हैं। इतना ही नहीं, उसको घर से बुला कर ले जाते हैं। मुहर्रम का खेल होता है, खेल के बाद DJ साउंड जो बजता है वो सब कुछ बंद होने के बाद, जैसे ही उस दोस्तों के साथ एक छोटा सा क्लिप वीडियो बनाया जाता है, रील में हंसी मजाक की जाती है, उसके बाद उस लड़के के साथ जो कुछ होता है वो बयां करने के लायक नहीं है। उस लड़के के साथ जो कुछ घटना हुआ वो बयां करने के लायक नहीं है। उसको पहले बेरहमी से पीटा जाता है। क्यों पीटा, क्या कुछ रंजिश होता था, क्या कुछ मामला था, ये इस परिवार से ही जानेंगे, लेकिन बता दें कि उसको बेरहमी से पीटा, इतना पीटा कि वो लड़का बेहोश हो गया था। और इससे भी उस मनचले का मन नहीं भरा तो उसके जुबान को काट दिया। जुबान को इसलिए काट दिया ताकि वो सच्चाई ना बताए, वो ये किसी को ना बताए कि ये घटना को अंजाम किसने दिया और क्यों दिया। वो बोलता इससे पहले उसकी जुबान काट दी गई, उसके गर्दन को पूरी तरह से मरोड़ दिया गया, तोड़ दिया गया। आज 2 दिन वो ICU में थे, वहाँ से पटना रेफर किया गया था, पटना से फिर वापस दरभंगा पहुँचे। दरभंगा आने के बाद अब वो ज़िंदगी की जंग वो हार चुके हैं। ये उनके चाचा ही हैं और तमाम उनके गाँव के लोग हैं, उनके भाई हैं, हम उनसे भी जानेंगे। चाचा ये बताइए, जो कुछ घटना हुआ बच्चे के साथ क्या हुआ था? देखिए, हम लोग तो अलग मोहल्ला में रहते हैं, मेरा खास दियाद है, लेकिन जैसे कि हमने सुना कि उस 2-3 लड़का मिल के फ़ोन किया, और वो लड़का छत पे था, उतर के नीचे आया, और इधर जो है दरोगा जी भी आए थे, वो 5 मिनट पहले। दरोगा जी आने के बाद उन्होंने यहाँ सबको कहा कि बाजा बंद कर दीजिए ऊपर का, और वो कह के चले गए नारी या कुमई। उसके बाद जो है उस लड़के को बुला करके उधर ले गया गांव के बाहर नज़दीक में, और वहां जाने के बाद वो लड़के का फिर लाश लेकर के 2 लड़का वही लोग जो बुलाया था वही लोग लेके यहां आया। अच्छा, जख्मी हालत में, जख्मी हालत में, खून से तरबतर था, जुबान कटा हुआ था। उस टाइम तो पता नहीं चला, लेकिन जब खून साफ किया गया तो पता चला कि इसका जुबान कटा हुआ, आधा कटा हुआ था, आधा कटा हुआ है। और उसके बाद गर्दन को ऐसे करता था तो गर्दन ऐसे हो जाता था, ऐसे तो ऐसे, ऐसे तो ऐसे, यानी गर्दन भी तोड़ दिया, गर्दन तोड़ दिया गया था। और ना कोई बोलता था, ना कुछ, ना कुछ, खाली ये रह रह के ऐसे करता था, जो इसका पोजीशन था। जो लड़का लो लेके आया उसकी पहचान हुई, कौन कौन लड़का? हाँ, वो लड़का पहचान हुआ, उसका दोस्त था, एक का नाम जाबिर मिसकार है और एक का नाम जो है अब्दुल्ला अंसारी है। तो ये दोनों गिरफ्तार हो गए, ये दोनों आज गिरफ्तार हो गए। और कौन कौन लड़का था उनके साथ? 4 लड़का था और 2 चांद था, नई मंसारी का लड़का। ये चांद कौन है? चांद नहीं, उसका दोस्त नहीं था। अच्छा। वो कोई गैर आदमी को मंगवाया गया या क्या हुआ वो तो हमने नहीं देखा, हमने ये सब नहीं देखा है, मगर सुने हैं कि चांद। अच्छा, ये बताइए, जो ये घटना हुआ है, आपको लग रहा है कि इस घटना में पुरानी रंजिश भी हो सकती है? ये लड़का, पहले से कोई दुश्मनी था? ये लड़का और लड़का का घर का पूरे परिवार इतना सोशल वर्कर है कि वो आज तक किसी से गांव में न झगड़ा किया हो, न किसी से कोई झगड़ा लफड़ा में गया हो बैठने, न कोई पंचायत में भी नहीं जाता, कुछ बोलना नहीं जानता इसका बाप या लड़का या कोई। वो लड़का 16 या 17 बरस का या 18 के अंदर का है। हाँ, वो दरभंगा में हॉस्टल में ट्यूशन पढ़ रहा था। वो मुहर्रम के मौके पे 2 दिन या 3 दिन पहले शनिचर को गांव आया,
और इतवार के रात में ये घटना हो गया, इसको मार दिया। क्या घटना में पहले से कोई साजिश चल रहा था? कोई साजिश नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं था। दोस्त किसी को भी फोन कर सकता है, तो माँ बोली कि कहाँ जा रहे हो बाबू, तो बोला कि आ रहे हैं, आइयो अपने भाषा में। वो नीचे उतरा, इसके बाद थोड़ा देर में वो लोग जो है आया, फोन तो उन कुछ नहीं हुआ। ये रात के कितने बजे घटना हुई? रात के करीब 11:55 में। 11:55 पे। हाँ चलिए, उनके चाचा हैं, उनसे बात किए, उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं। जब ये घटना हुई, इससे पहले आप लोग को पता था कि आपके भाई के साथ जो ये मामला हुआ, ये इस तरह का हादसा होने वाला था? हम लोग ऐसा है ही, हम लोग कभी यकीन ही नहीं किया कि मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ होगा। हम लोग बेफिक्र थे, हम लोग कभी, हम लोग किसी में दुश्मनी है ना कुछ है, आप गांव वाले से पूछ सकते हैं। हम लोग बेफिक्र बे आराम से हम लोग छत पे बैठे हुए थे, मेरा भाई भी था साथ में, खाना उन्होंने खाया साथ में। खाना खाने के बाद 11:30 ये लड़का फ़ोन किया, जा खाना आपके साथ खाया था? नहीं, मेरे जीजू के साथ खाया था, वो लोग साथ में खाए थे, हम नीचे खाना खाए थे। फिर वो जाबिर फ़ोन किया मेरे भाई को 11:30। जाबिर उसका दोस्त है? जी दोस्त था, कभी यकीन नहीं करते थे। यही जाबिर लड़का पहले बोलता था मेरे भाई को आज से एक महीना पहले कि हम पैसे के लिए मर्डर भी कर देते हैं। अच्छा, ये जाबिर क्या था मेरे भाई को? मेरा भाई मेरी अम्मी को बोली थे, मेरा अम्मी बोला भी था, उस समय मजाक मिलेगा। मेरा भाई बोला जाबिर हमको तो नहीं मार सकता, मेरा था अपना जाबिर बहुत मतलब कि अच्छा मानता था, दोस्त है मेरा। जी दोस्त है मेरा, लेकिन कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता, साथ में और भी बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि जाबिर ऐसा करेगा। लेकिन जाबिर मेरे भाई को बुलाया, सामने में दुकान है, उसके बाद मेरा भाई पानी का बोतल लिया, खाना खाया था ऊपर में पानी, वो ठंडा पानी पीने के लिए मेरा भाई पानी का बोतल लिया खरीदा। दुकानदार से पूछने के लिए जाबिर, दुकानदार से पूछा तो बोला जाबिर था, अब्दुल्ला साथ में था दोनों। जाबिर क्या कह रहा मेरा भाई को कि बैग ले लो ना, बैग से चलते हैं, कि बैग ले लेंगे, मर्डर कर देंगे, बोलेंगे एक्सीडेंट हो गया, ला के छोड़ देंगे। जाबिर ऐसा बोल रहा था मेरा भाई को कि बैग ले लो ना, बैग से चलते हैं। तो मेरा भाई बोला बैग मत लो, काहे के लिए बैग लेगा, कहीं थोड़ी जाना है, जाएंगे घूम के चले जाएंगे। से कितना दूरी पर घटना हुआ है? कितना दूरी यहाँ से बांध पे, बस गाँव लगभग 300 मीटर की दूरी पर, बगल ही में जी लेकर के गया। उसके बाद पहुँचा वहाँ पे 11:35 में, 11:35 से रास्ता छोड़ दिए, थोड़ा गाड़ी निकलेगी, थोड़ा साइड हो जाइए। हाँ 11:35 में वो लोग वहाँ पहुँचा, एक वीडियो बनाया है अजुल्ला, वीडियो बनाया, जाबिर मेरा भाई बैठा हुआ है, अजुल्ला वीडियो बनाया, वीडियो में टाइमिंग दिखा रहा है। 11:56 वीडियो को ऑफ कर दिया गया, 11:56 वीडियो को ऑफ करने के बाद 12:08 में वही लड़का फ़ोन किया लड़का लोग को कि हाँ मर्डर हो गया, जल्दी आ, मार दिया। वही लड़का लोग, वही लड़का फ़ोन किया कि यहाँ पे मर्डर हो गया है, जल्दी आ। 11:56 वीडियो को ऑफ किया, 12:08 में फ़ोन किया, 10 मिनट में मेरा भाई को ख़त्म कर दिया, नली पे निशान है, जबान काट दिया है, आँख की बत्ती को निकाल दिया है, पूरा सर को ख़त्म कर दिया मेरा भाई। जबान इसलिए काट दिया था कि वो सच्चाई ना बता, सच्चाई ना बता सके, अगर जिंदा भी रह गया तो सच्चाई ना बता, बोल ना सके कि मेरा नाम नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं, आपके भाई अब नहीं रहे, क्या कुछ प्रशासन से क्या कहना है? हम यही चाहते हैं, हम सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं कि उसको फांसी दे, अगर फांसी नहीं देंगे तो ऐसा घटना होते रहेगा बिहार में, ऐसा घटना आप देखते रह जाइएगा, बच्चे का जान चली जाएगी, लिए कुछ नहीं होने वाला है। देखिए बिरोल अनुमंडल में अभी हम बंगहट्टा गांव में हैं, लगातार जो घटना हो रही है और जो घटना हुई है, क्या कहना है? ये बहुत ही निंदनीय है, इस तरह की जो घटनाएं हैं ये बिल्कुल ही नैतिकता के खिलाफ है। हम आप मीडिया के माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहेंगे कि इस तरह की घटना पर रोक लगे और जहाँ तक हो सके समाज का बचाव किया जाए। ये बहुत ही निंदनीय, इस पूरे समाज के लिए निंदनीय घटना है, और ये आज ऐसी पहली घटना नहीं है। इस 24 घंटा के अंदर इस तरह की एक और घटना बगल में सुपौल बाजार 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ भी इस तरह की घटना देखने को मिली है। इस घटना के बारे में आपको जानकारी कब मिली थी? इसका कौन लगते हैं? वो हमारे मौसी का लड़का, मेरे खाला का बेटा है वो। अच्छा जी, मृतक जी। अच्छा, आप उसको, आपको इस घटना के बारे में बाद में जानकारी मिली? हाँ, हमको इस घटना की जानकारी सुबह होकर के मिली, भाई के फोन के माध्यम से मिला कि इस तरह की बात है भैया, तो हम लोग तो थे ड्यूटी पे, फिर हम लोग लेट शाम आए यहाँ, तो फिर उस समय से लगे। प्रशासन अब तक क्या कार्रवाई की? प्रशासन की जो अब तक की न्यूज है, उस प्राप्त सूचना के अनुसार आज दिन में सुबह 10 बजे के आसपास में प्रशासन आई थी और उस दोनों लड़के को, जो जाबिर और अब्दुल्ला जो है, इसको गिरफ्तार करके ले गई है, लेकिन उसके आगे की कोई कार्रवाई नहीं है। हम लोग तो उस बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल में भागदौड़ में लगे हुए रह गए, हॉस्पिटल से भी जवाब मिल गया। और अच्छी तरह का कोई आवेदन दिए आप लोग की तरफ? नहीं, हम लोगों की तरफ से वहाँ तक नहीं, हम बच्चे को लेकर के परेशान थे, घर में कोई यहाँ रहे नहीं, जो जितने भी जेंट्स फैकल्टी थे ट्रीटमेंट जरूरी था। जी ट्रीटमेंट जरूरी था, तो हम लोग उस तरफ भागे और यहाँ घर पे सारी महिलाएं थी, छोटे बच्चे थे घर पे, तमाम जो उनके रिश्तेदार हैं वो सब आए हुए। क्या कहना है, जो घटना हुई है ये काफ़ी दुखद घटना है, जिस तरह से उस लड़के के साथ जो घटना को अंजाम दिया गया, क्या कहना है इस पर, क्यों इस तरह की घटना? कहना ये चाह रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, जिस तरह से उसको जवान काटा गया,
तरह तरह के मारा गया, कान में सरिया भी डाला गया लगभग। डॉक्टर का कहना, मेरा ये नहीं बात है, डॉक्टर कहा गया है। क्या कहा डॉक्टर? कान में सरिया भी डाल दिया। सरिया भी जी, जवान काटने के बाद कान में सरिया भी डाले हैं। आप पाँच छः जगह जो सर में जो है खून का थैला बन गया, वो फटा नहीं, वो अंदर ही रह गया, ब्लड हो गया वो। तो बगल में जैसे मुकेश सहनी है, उनके यहाँ सारे आए हुए हैं, कोई मंत्री है, कोई विधायक है, कोई MLA है, सब आए हुए हैं। जब गरीब आदमी है उनके यहाँ कोई नहीं आए हैं, यहाँ तक के थाना वाला पूछने भी नहीं आए हैं। अच्छा जी, मुकेश सहनी यहाँ सब लोग आए, यहाँ कोई, यहाँ कोई नहीं आए, ये गरीब है इसीलिए यहाँ कौन आएंगे। चलिए, अभी हम भनट्टा गांव में थे, थोड़ी और तस्वीर आपको आगे बढ़ के दिखाते हैं। देखिए, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है, और जो तमाम लोग हैं, जो उनके तमाम रिश्तेदार हैं, वो सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। जो घटना हुई है, इस घटना से पूरे गांव के अंदर मातमी सन्नाटा छाया हुआ। अगर आप तस्वीर देखेंगे तो सभी लोग का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं मायूस है। उनके फूफा जी हैं, उनके दादाजी हैं, और जो घटना हुई है, क्या कहना है, बड़ा दुखद घटना है। क्या कहना है, उसका इंसाफ हो। क्या मांग करते हैं आप लोग है? आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं सिर्फ इंसाफ हो बच्चा का। इंसाफ हो, आया था छुट्टी में, मुहर्रम के छुट्टी में, दरभंगा में उसको नाम एडमिशन करा दिए कोचिंग सेंटर में। कोचिंग सेंटर में करा दिए तो वो आया, तो हम पूछे कहाँ आया बाबू, तो स्कूल कोचिंग सेंटर बंद है गए, जय रूम में डेरा है वो रूम से सब सब लड़का चला गया, तो हम भी चले आए। आ उसी शाम में आया, खाना खाया, आ वो तीन चार ठो लड़का जो था उसका, वो सब इसको 11 बजे रात में यहाँ मुहर्रम खेल हो रहा था, यहाँ से ले गया गाँव के बाहर, अब वहीं पर ये घटना हुआ। तो इंसाफ होना चाहिए ना, हम यही चाहते हैं। बिल्कुल, चलिए, उनके दादाजी हैं और कहीं ना कहीं इस बात से बहुत दुखी हैं कि क्या कुछ कहेंगे, और जो कुछ कहना था इनको सब कुछ कर दिए, और इतनी थोड़ी सी बातों में अपना सारा दर्द बयां कर दिए। इंसाफ चाहिए इस परिवार को, और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि आज मुकेश सहनी के पिता का जिस तरह से निर्मम हत्या हुआ, सारे बिहार दरभंगा के जितने भी आला अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वो सब लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उसी स्थल पर बैठे हुए हैं। इस घटना की तरफ अब तक किसी का रुख नहीं हुआ है। अब ये देखना होगा अगले दिन सुबह तक यहाँ पर कौन कौन पदाधिकारी पहुँचते हैं, कौन आते हैं, इस परिवार से कौन मिलते हैं, इस संबंध में क्या बातचीत होती है, और आगे अगर तक क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ के लोग अब असुरक्षित महसूस करने लगे हैं, यहाँ के लोगों को अब इस बात का भय सताने लगा है, इस बात का डर सताने लगा है कि कब किसका बेटा का अगला बारी आ जाए, ये कोई नहीं जानता। मैं भी भगहट्टा गाँव में हूँ, और सिकंदर साहब के बेटे का इंजमामुल का जिस तरह से नंबर आया, हो सकता है कि जो घटना उनके साथ घटा, जो बर्बरता उनके साथ किया गया, जुबान काट दी गई, कान में सरिया तक डाल दिया गया, और लोग बता रहे हैं कि गर्दन तक को तोड़ दिया गया, जो घटना उनके साथ हुई, ये घटना किसी और के साथ ना हो, इसको लेकर भी लगातार यहाँ के जो लोग हैं, जो खास करके जितने रिश्तेदार हैं, और पूरे बघनटा गांव के जितने भी परिवार हैं, एक एक परिवार इस वक्त दुख के घड़ी में इस परिवार के साथ खड़ा हुआ है, और ये कहने के लिए कि इस परिवार को इंसाफ मिले, और आइंदा ऐसी घटना किसी के साथ ना घटे, इसको लेकर भी तमाम लोग आज एकजुट होकर इस परिवार के सामने खड़े हैं। उनके दादाजी इस दुख के घड़ी में काफ़ी दुखी हैं, और उनका सब जो है अभी दरभंगा में है, और DMCH में वहाँ पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है या कागजी प्रक्रिया है वो पूरा होने के बाद फिर गांव आएगा, और फिर अंतिम जो प्रक्रिया होता है कफन दफन का, वो तमाम चीज़ होना है। हम फिर कल इसमें नज़र बनाए रखेंगे, और कल भी इस पर आएंगे, और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, हम उस पर पूरी तरह से खबर अपडेट करते रहेंगे, और लगातार जो इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट आएगा, जो भी अनुसंधान में आएगा, जो दो लड़के को गिरफ्तार की गई है, उन दोनों लड़के से क्या कुछ पूछा गया, उसमें अनुसंधान में क्या कुछ उन्होंने बताया, और क्या कुछ फर्द बयान दिया। हालांकि जो बेटा ओपी थाना है वहाँ पर भी फर्द बयान दिया गया है, बच्चे से फर्द बयान लिया गया था, वो बोलने की स्थिति में नहीं थे, उनके जो परिजन थे उनसे फर्द बयान नोट कर लिया गया है। अब FIR होने के बाद जो आगे कार्रवाई होगी उस पर हम विशेष ध्यान रखेंगे और चर्चा भी करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, अगले खबर में फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।